हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कभी कभी अति लघु में, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेड कलर के बटन को दबाकर, और उसके बराबर में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक अत्यंत अल्पधन परीक्षण आवेश रखते हैं। इस आवेश पर एक बल लगेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्या है, ये रहा, पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। तो फॉर्मूले से आप इसको याद कर सकते हैं डेफिनेशन को, ई इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट या क्यू ज़ीरो, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अतः यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब बल कैसी राशि, सदिश राशि है, ठीक है, और क्यू नॉट अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं रहती, बल में दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी एक सदिश राशि होगी, ठीक है, इसकी दिशा वही होगी जो बल एफ की दिशा होगी, अर्थात जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र में धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है। यदि परीक्षण आवेश धन अगर ऋण हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा ऋण आवेश पर लगने वाला बल एफ की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, एफ का न्यूटन और क्यू नॉट का क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, तो बल का क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, तो बल क्या हो जाएगा, एफ इक्वल ई इंटू क्यू, ठीक है, एफ इक्वल ई इंटू क्यू, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात होने पर हम उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश Q पर लगने वाले बल F को निम्नलिखित समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका इसी फॉर्मूले से आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा, तो मात्रक मैंने न्यूटन प्रति कूलम बताया, बिल्कुल सही है। फिर इसको हमें बदलना है छोटे मात्रकों में, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकंड इनमें, तो न्यूटन को हम बदलेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस दो, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कूलाम को हम लिखेंगे क्यू बराबर आई टी होता है, तो इसलिए आई मतलब एम्पियर, आई का जो मात्रक है एम्पियर, टी का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया इसका कूलाम का। अब इनको जब हम लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस तीन, एम्पियर माइनस एक। अब इसकी विमा क्या होगी, तो विमा मैं बता देता हूँ, किलोग्राम की एम और मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए टी माइनस थ्री, एम्पियर के लिए ए माइनस वन, और इसको एक ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं इसकी विमा। तो इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशंस के साथ, और न्यूमेरिकल भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।